वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इफ यू गाइज अ न्यू हेयर, हाई दिस इज श्रेयसी एंड वेलकम टू माई चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दिस क्यूट लिटिल बेल बटन, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। एनी वेज, इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी रिव्यूइंग डर्मा को प्रोडक्ट्स। सो या दिस इज बेसिकली दे आर सैलिसिलिक एसिड रेंज विच आई एम गोइंग टू रिव्यूइंग एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। इट विल बी माई ओन पर्सनल रिव्यू फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। सो माई थॉट कैन बी डिफर फ्रॉम योर थॉट एंड योर एक्सपीरियंस। सो या बिकॉज स्किन केयर इज वेरी सब्जेक्टिव, सो या इट्स माई पर्सनल रिव्यू, क्योंकि दे आर सैलिसिलिक एसिड रेंज स्पेशली दे आर एक्नी एंड पिम्पल्स के लिए जो रेंज होता है दैट इज लाइक नाउ इट इज एक्सट्रीमली हाइप्ड। सो बिफोर बाइंग यू लाइक ये बहुत ओवर हाइप्ड है तो मैं खरीद लेती हूँ, बिफोर डूइंग दैट you need to see this review because I promise you that this video will help you a lot because their products are extremely active because they have like active acid ingredients in their product. So before like destroy your skin, just see this review and yeah, without further ado, let's get started. So I think you guys know that salicylic acid is specially helps to control your oil and that actually helps ki aapki skin pe breakouts ya fir pimples acne na ho. So you can totally understand that this range is specially for oily skin person. And even dry skin can use it, but yeah, I will give you like little disclaimer. Anyways, so first I'm going to start from this is their 1% salicylic acid face wash for active acne and you can use it day and night both. It's absolutely gel based and that's the thing I love the most because gel based face wash is extremely good for any skin type rather than foaming face wash also. So it's extremely soft and it lathers into your face like magic. But first disclaimer is that do not ever use their any product, Dermacoca any product, do not ever use at morning because their all products are almost 90% products are like acidic product and they are extremely active. So agar aap subah istemal karte ho to your skin can be like extremely sensitive, जो कि मेरे साथ हुआ है ऑनेस्टली। इज माई सेकेंड डिस्क्लेमर इज दैट एज इट हैज एक्सट्रीमली एक्टिव इंग्रेडियंट, सो अगर आपकी थोड़ा सा भी आई पे जाता है लाइक जो फोम वो भी अगर आई पे जाता है सो इट कैन बर्न लाइक टू द अनदर लेवल। सो व्हेन एवर यू आर यूजिंग दिस फेस वॉश मेक श्योर दैट कि आपके आईज बहुत अच्छी तरह से क्लोज हो। ऑफकोर्स इट विल नॉट गिव यू समथिंग लाइक एक्सट्रीमली बिग आई इंजुरी, नॉट लाइक दैट। नॉर्मल फेस वॉश अगर आग पे जाता है तो वो बर्न होता ही है, बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है बिकॉज इट हैज एक्टिव इंग्रेडियंट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश फॉर लाइक इफ यू हैव एक्सट्रीमली एक्टिव एक्नी प्रोन स्किन एंड यू इफ यू आर अ टीनेजर स्टिल यू कैन यूज इट बिकॉज इट हैज ओनली 1% सैलिसिलिक एसिड, नॉट लाइक टू मच। आई कंप्लीटली लव दिस, माई स्किन वॉज दिस दैट यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर दैट ऐसा हो गया था मेरी स्किन जून पे फॉर ट्राइंग सम न्यू स्टफ्स, नॉट फॉर फ्रॉम डर्माको, किसी और ही ब्रांड का। आई वॉज क्राइंग लिटरली एवरी सिंगल डे फॉर माई स्किन एंड दिस प्रोडक्ट विल नॉट ओनली हेल्प टू कंट्रोल योर ऑयल, ऑल्सो इट विल कंट्रोल एक्टिव एक्नी, पिम्पल्स, ब्रेकआउट्स, कॉमिडोन, इवन पर्जिंग ऑल्सो। पर्जिंग लाइक यहाँ पर होता है छोटा छोटा फ्लेश लाइक बम, दैट्स द थिंग कॉल्ड पर्जिंग, सबको ये कंट्रोल करता है। सो या सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड डिस्क्लेमर इज दैट इफ यू हैव लाइक अ ड्राई स्किन इट कैन मेक योर स्किन लिटिल ड्राई, बट डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स नॉट लाइक परमानेंट ड्राइंग, क्योंकि जो फर्स्ट सर्फेस का जो ऑयल होता है इट एक्चुअली हेल्प्स टू क्लियर आउट दैट एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू अनक्लॉग योर पोर्स। एंड ओ माई गॉड गाइज, इफ यू हैव टू चूज एनी वन प्रोडक्ट फ्रॉम दिस एंटायर रेंज, ट्राई दिस वन, यू आर गोइंग टू लव इट एंड यू कैन यूज इट लाइक एनी स्किन टाइप कैन यूज इट। बट या डू नॉट ट्राई टू यूज इट एट मॉर्निंग, जस्ट ट्राई टू यूज एट नाइट बिकॉज इट्स एक्टिव इंग्रेडियंट। सो या इट्स बेटर टू यूज एट नाइट एंड हाईली रिकमेंड टू यूज। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज लाइक थम्स अप फ्रॉम मी। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस प्रोडक्ट, दिस इज देयर 2% सैलिसिलिक एसिड मास्क एंड दिस इज फॉर एक्नी प्रोन एंड ब्लेमिश स्किन ऑनेस्टली। सो दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली द लिटिल वर्शन ऑफ योर केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन ऑनेस्टली, बिकॉज यू नीड टू यूज इट वेरी केयरफुली।
मैक्सिमम ट्वाइस इन ए वीक, नॉट मोर देन दैट. एंड जैसे यू कैन सी फ्रॉम द एप्लीकेशन दैट यू नीड टू यूज इट लाइक एक्सेप्ट योर आई एरिया, बट लीव इट फॉर ओनली 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड. यू कैन लीव इट फॉर 5 मिनट्स और 6 मिनट्स ऑल्सो, बट नॉट मोर देन 10 मिनट्स, बिकॉज इट इज एक्टिव बेबी. एंड इफ यू लीव इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन योर फेस, इट कैन मेक योर स्किन सेंसिटिव टू द अनदर लेवल. एंड ऑल्सो आफ्टर यूजिंग इट यू कैन फील अ लिटिल बिट ऑफ टिंगलिंग इफेक्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सो थोड़ा सा टिंगलिंग होता ही है. एंड या नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिव्यू पार्ट. कम्स टू दिस प्रोडक्ट, आई डोंट नो गाइज, लाइक दिस प्रोडक्ट रियली डिडेंट वर्क फॉर मी, बिकॉज आई हैवन सीन एनी सच अ डिफरेंस ऑन माई एक्टिव एक्नीज एंड स्पेशली ऑन माई पर्जिंग एरिया. बट वॉट आई हैव नोटिस्ड इज दैट आफ्टर यूजिंग दिस पर्जिंग डबल हो गया था, बिकॉज पर्जिंग इज समथिंग लाइक वेन एवर यू यूज एनी काइंड ऑफ अ एक्टिव इन्ग्रीडियंट, इस साइड में एक फ्लैश लाइक बम्प होता है, विच इज नॉर्मल. दिस इज नॉट समथिंग दैट विल नॉट टर्न टू योर एक्टिव एक्नी और पिम्पल, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट या पर्जिंग को मेरा ये डबल कर दिया था, I don't know, and also it makes my skin sensitive. Oh my god, पूछो ही मत, इतना ज़्यादा sensitive हो गया था. But yeah, that last for like around 2 to 3 days, उसके बाद ठीक हो गया था, like because my skin is extremely sensitive. So like I don't know, like if you ask me that I'm going to buy this product or not again, I will say no, because it actually बहुत देरी से काम करता है. Like if you need to use it more than for like 1 to 2 months. एंड लाइक होने पर आई एम यूजिंग इट, 2-3 दिन तक मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, पर्जिंग होता है बहुत ज़्यादा. सो या दिस इज़ लाइक सो प्रोडक्ट फॉर मी. अगर आप इसे इस्तेमाल करते हो, अगर आप इसे लाइक बहुत पसंद करते हो, सो दैन इट इज़ टोटली अप टू यू. बट फ्रॉम माई साइड दिस इज़ लाइक अ सो प्रोडक्ट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रीच आउट for this product again. Okay, so next move on to their third product, which is 2% salicylic acid face serum. Also you can use it day and night, but yeah, as I have told you, do not use it at morning, try to use at night. And you can see that this is a pure like transparent serum jaise hota hai, and this serum is extremely lightweight, it can absorb into your skin within just a second. And now next move on to the review part. Guys, just pause this video here and just buy this if you have like extremely active and acne prone skin. This is your ultimate solution. Like this too, baby, is the thing you need to buy and you need to add in your vanity. This product एक ही हफ्ते में योर ऑल द पिंपल्स, एक्टिव एक्नी, कॉमिडोन्स, पर्जिंग सब खत्म हो जाएगा एक ही हफ्ते में. यू नीड टू यूज इट एवरी डे, ऑल्सो यू नीड टू यूज इट एवरी डे. This baby, oh my god, Dharmako, if you are watching, this is a magical product, okay? And thank you for making this magical. Dharmako is one of the best product for me at least. This is ये प्रोडक्ट ही इज वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग टू हील माई स्किन ऑनेस्टली. वन डिस्क्लेमर इज दैट दिस कैन मेक योर स्किन ड्राई, सो इफ यू आर फ्रॉम ड्राई स्किन पर्सन, डू नॉट यूज इट लाइक फॉर ओवर नाइट. यूज इट लाइक लीव इट फॉर 1 to 2 hours, देन लीव इट एंड जस्ट यूज नॉर्मल मॉइस्चराइजर. Do not use it for like overnight, it will make your skin more dry. Other than that, it is extremely good, it will not make your skin sensitive or nothing else. Okay, so next move on to the last product, which is not from their salicylic acid range. This is Fruit AHA Skin Revitalizing, and this is for their acne and pimple marks, and this is not for your active acne. I know that this is not from their salicylic acid range, but still I include this product because on top of it I use only this moisturizer, because this is such a bliss. I can't tell you, this moisturizer is so perfect. This is not too heavy, too light or too oily. It's for perfect for every skin type, and it actually helps to reduce the dark spot and pigmentation. Kyunki acne ho gaya tha bahut, to generally acne marks ho gayi, and this product really helps me a lot to wo usko kam karne ke liye. This product really helps me a lot. It will blend into your skin like just a second. It will not give you stickiness, oily or like chip-chipa effect, not like that, and perfect and good night cream. So yeah, that's my final review. These three products, this salicylic acid face wash, serum
and this fruit AHA moisturizer is ultimate solution for your acne and pimples and like leftover acne marks. Though it's not the this video is not for your acne marks, this is specially for like how to you control your acne and pimples and comedone and stuffs. So try this, you are going to love this. Absolutely a non-sponsored video, my personal experience. So I really want you guys ki aap try karo and you are going to love it. Like acne is such a thing, like oh my god, just puchho hi mat, itna zyada wo dukh deta hai. So I hope your skin will also feel like a beautiful glass skin. And this product, if you love it, then try it. If you haven't tried yet, you can try it. But if you ask my suggestion, just don't invest money on it, because it is 500 rupees. So instead of buying this, you can just buy this two at least. ये दो खरीद लो तो आपका स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज यू कैन यूज इट एटलीस्ट फॉर 3 months. बट दिस प्रोडक्ट इज लाइक नो बेबी, इट्स नॉट फॉर मी. सो यार दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो. होप यू हैव लव दिस एंड होपफुली नाउ यू विल गेट अ आइडिया दैट व्हाट यू नीड टू बाई, व्हाट यू शुडंट बाई. सो सी यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो एंड आई एम गोइंग टू डू अ वीडियो वेर आई एम गोइंग टू रिव्यूइंग दैट नाइसिनामाइड रेंज. सो यस, यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज इट्स free baby. So till then, bye, stay positive and stay happy. Bye bye.